प्राचीन मर्म चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग लेने के लिए हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज पहुंचे त्रिपुरा के 6 आयुर्वेद डॉक्टर की 10 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने पर कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने सभी चिकित्सकों को सर्टिफिकेट दिया। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और त्रिपुरा सरकार के बीच हुए MOU के तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। के माध्यम से 6 वरिष्ठ चिकित्सकों का एक दल मर्म चिकित्सा प्रकृति परीक्षण और नाड़ी परीक्षण के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आया है और 10 दिनों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपूर्ण हुआ है और आज इसका समापन समारोह था। और इसके माध्यम से जितने भी चिकित्सक हैं उत्तराखंड ये त्रिपुरा सरकार के, उनको उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से इन तीनों विधाओं का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई गई और उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी सारा सिखाया गया, इससे ये सारे के सारे जो चिकित्सक हैं इन चिकित्साओं को, विशेष रूप से मर्म चिकित्सा को सीखकर जो त्रिपुरा सरकार के जो चिकित्सालय हैं उसमें ये प्रैक्टिसाइज करेंगे और वहाँ के लोगों की मर्म चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा कर सकेंगे। चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के चलते वे इसे मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वे आयुर्वेद के साथ मर्म चिकित्सा पद्धति से भी मरीजों का उपचार करेंगे। ऐसा खास टेक्निक से पेशेंट को राहत मिलते है वो देखने बाद हम लोग प्रभावित हो गया। हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह जी भी प्रभावित हुए। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा ये क्यों ना हम ट्रेनिंग लेके त्रिपुरा का जो आम आदमी है, हम लोग का पेशेंट है, सबको लाभ दे पाए। तो इसी का संदर्भ में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये पदक्षेप लिया और हम देवभूमि में आ पाया, ट्रेनिंग लिया और हम आगे काम करेंगे, संपर्क जारी रहेगा। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।